हेलो नमस्ते वनकम सस्त्री अकाल कैमचो एंड कसकाय पब्लिक, तो स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में जहां पे हम ट्रैवल कर रहे हैं वाटर एक्सप्लोरेशन वाटरफॉल एक्सप्लोरेशन ट्रिप पे। और हम अभी है NH 60 पे जो है पुणे नासिक हाईवे। धीरे-धीरे सी ड्रिजलिंग भी हो रही है और आज सनलाइट भी निकली है, तो लेट्स होप कि ये ट्रिप में अपने को थोड़ा सनलाइट मिले तो हम अच्छे से वाटरफॉल और सारी चीज़ जो है उसको हम कवर कर पाए। तो हम यहाँ पे एक शिवनेरी मिसल करके जो जगह है वहाँ पे हम रुके थे, आप जो बहुत ही अच्छी तरीके से उसका देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप नासिक आते हो तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से मिसल का जो टेस्ट है वो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो मिसल है वो थोड़ा अलग और थोड़ा अलग टाइप का मिलता है। तो डेफिनेटली आप अगर ये हाईवे पे हो तो कहीं पे भी रुक के मिसल खाना। और अभी हम हमारी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स नासिक एंड उसके बाद हम जाएंगे त्रिम्बक। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, बहुत ही स्लो जा रहे हैं इस बार, मतलब लाइक अभी हमने ऑलरेडी लेट जर्नी शुरू करी और अभी ऑलमोस्ट 2 बजे, लेकिन अभी भी आई थिंक 2.5 घंटे का टाइम लगेगा नासिक पहुँचने में, क्योंकि बहुत ही स्लो जा रहे हैं हम। अभी आप देखो पूरा जो माउंटेन्स का जो पूरा जो रेंज है वो आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखेगा। ये जो हाईवे है वो ये इसको ही पकड़ कर रखना है, बट यहाँ पे खाली प्रॉब्लम ये है कि हर मतलब लाइक थोड़े टाइम पे आपको जो बम्पर्स है वो आएंगे, तो आपको गाड़ी बारी बारी से स्लो करके चलाना पड़ेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ही अच्छी वाली जो राइड है वो चल रही है, स्लो बट स्टेडी। दोस्तों अभी हम ये नासिक जो है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और ये लिटल बिट ऑफ आउटस्कर्ट है और वहाँ यहाँ से एक रास्ता सीधा जाता है जो त्र्यंबकेश्वर के साइड जाता है। हमें हमारा जो वाटरफॉल का जो लोकेशन है वो उसी साइड पे है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 1 आवर का और रास्ता जो है वो बाकी है। लेकिन यहाँ पे यार ये सिटी का जो चार्म है वो देखो, क्लीनलीनेस देखो और ग्रीनरी देखो, ये दोनों चीजें जबरदस्त है। तो दोस्तों वाटरफॉल तो बंद हो गया, 4 बजे ही बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, तो ये चीज़ याद रखना कि शाम को 4 बजे ये वाटरफॉल बंद हो जाता है। तो अभी तो इस वाटरफॉल का नज़ारा नहीं देख पा रहे और हमने ड्रोन उड़ाने का ट्राई किया, लेकिन बारिश आप देख सकते हो ज़बरदस्त बारिश है। लेकिन देखो क्या है कि एट लास्ट आप देखो व्यू कितना मैटर करता है, यहाँ पे आप इतना जबरदस्त वाला जो एक ऑफ साइट लोकेशन है जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर दूर तक आप देख सकते हो कोई नहीं, और अपनी गाड़ी जो है वो यहाँ पे है, आप देख कितनी प्यारी लग रही है। पहले तो ये चीज़ देख लो कि कितनी प्यारी लग रही गाड़ी, और लोकेशन देखो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है, ऑफ साइट का लोकेशन है, पूरा जंगल वाला लोकेशन है।
दोस्तों ये है हम त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है वहाँ पे आ चुके हैं। और ये एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ पे अंदर हम आपको मोबाइल लेके जा सकते हैं, तो अंदर से आपको भी व्यू दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो ये है त्र्यंबकेश्वर महादेव ट्रस्ट, और अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि दर्शन का क्या हो सकता है, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि अभी 5-6 घंटे लगेंगे। तो देख सकते हो आप कितनी बड़ी लाइन है, 200 रुपीज का टिकट है, बहुत ही लंबी लाइन आप लोग वहाँ पर जाना। दोस्तों आप देख सकते हो ये है मेन गेट जहाँ से एंट्री हम कर रहे हैं। मस्त मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। देख सकते हो त्र्यंबकेश्वर मंदिर का यहाँ पे ही है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन लाइन और भीड़ तो आप देखते ही रहते। से आप बहुत ही अच्छी तरीके से जो दर्शन है वो कर सकते हो यहाँ पे। ये है अपने त्र्यंबकेश्वर, और बहुत ही पुराना वाला ट्री है यहाँ पे, और यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो त्र्यंबकेश्वर। अभी रात के बजे है 10, जल्दी से खाना पड़ेगा, और खाना खा के फिर हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। लेट्स सी के कहाँ पे हम रेस्ट कर सकते, बट आप ये पूरा मंदिर का गेट और ये पूरा मंदिर एक बार और अच्छी तरीके से मस्त तरीके से देख। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे हरिओम ढाबे पे आ गए हैं, तो ये कुछ ढाबा है जहाँ से आप खाना वाना खा सकते हो। तो अभी हम थोड़ा यहाँ पे खाना खाएंगे और मस्त तरीके। अभी आप देख सकते हो अभी हमने ये जो रूम टूर आपको करवा देते, तो ये है हमारा लिविंग हॉल आज का दिन का, हमारा स्टे इन त्र्यंबकेश्वर। और बाहर का कुछ व्यू दिख नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं। बट आप व्यू देख सकते हो, जेंसी इज प्लेइंग एंड यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू है अपना, पूरा मस्त बेड है, वार्डरोब है, सब कुछ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज है। और वाह, वॉशरूम इज बिग इनफ, गर्म पानी वानी सब कुछ मस्त है, यहाँ पे भी वॉश बेसिन है। सो गुड नाइट एंड सी यू टुमारो।